मान हम लोग बना बनाया रसी पी रहे हैं, कोई हमको अलग से कोई व्यवस्था करनी नहीं, ये सब बना हुआ है। यात्रा का मार्ग नहीं ढूंढना है, यात्रा का मार्ग खोजना नहीं है, कहीं भटकने की संभावना भी नहीं है। इतनी सारी व्यवस्थाएं उनके साथ इस यात्रा को सुगम हो जाने के कारण कभी कभी मनुष्य इसका महत्व नहीं समझ पाता, क्योंकि ये मनुष्य का एकमात्र स्वभाव है कि वो कोई कार्य अगर उसको कठिनता से प्राप्त हो तो उसका मोल समझता है, और उसको सहजता में अनायास प्राप्त हो जाता है तो उसकी सार्थकता समझता नहीं, वो उसकी सार्थकता समझता नहीं। जैसे किसी मंदिर में बहुत भारी भीड़, आप विश्वनाथ दर्शन करने जाए और मालूम हो कि भाई इतनी भीड़ लगी है कि कम से कम 2 घंटा तो दर्शन में लगेगा, तो आपका मन हताश हो जाता है, अरे बाप रे 2 घंटा वही सही है। कोई जुगाड़ से आपको 10 मिनट में दर्शन हो जाए तो आपके मन को कितनी प्रसन्नता होती। हाँ, कितनी बड़ी लाइन थी, 2 घंटा तो कम से कम लगता पर हमको 10 मिनट में दर्शन हो गए, ये मन की स्थिति बता रहा है, तो मन प्रसन्न हो जाएगा। और जहां शिव तत्व विराजमान है, मानो कोई भीड़ ही नहीं है, कर्दमेश्वर आ गए, रामेश्वरम पहुंचेंगे, कोई नहीं है, केवल अपने लिए भगवान बैठे हुए हैं, वहां हम 2 मिनट भी ठीक से नहीं रुकते, वहां हमारा मन कोई प्रसन्नता भी नहीं होता दर्शन करने। क्यों? क्या वहां शिव तत्व नहीं है? तो हम लोगों ने क्या किया कि जो सरलता से प्राप्त हो गई उसका मोल नहीं समझा, और जो कठिनता से मिलता है तो मानो लगता है मनुष्य के हाँ मैंने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है, तब जाके वो मन उसमें प्रशस्त होने के लिए लगता है। इसीलिए इस तरह की यात्राओं का निर्माण हुआ कि ये मनुष्य का जो मन है यह चलित है। मने वो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, यही मन का कारण है और यही बंधन का कारण, यही मुक्ति का भी मार्ग प्रशस्त करता है, ये भी मनुष्य को बांध देता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही राम मिलाए सोर, मन ही करत भजे। इसलिए मन क्या है, परमात्मा से मिलाता भी है, लेकिन हम लोगों ने अपना मन लगाया नहीं तो कैसे लगे। जब शरीर लगने लगता है तो कर्मकांड जब होने लगता है तो ज्ञान कांड की अनुभूति हृदय में होती है, तब मन धीरे से परमात्मा के उसमें लगे। परंतु हम एक ही समस्या में ग्रसित होते हैं कि उस मन को जीत नहीं पाते, और मन हमारे हैं शास्त्रगत ये भी है कि आपका जितना चिंतन जिस विषय में होगा वो विषय आपको प्राप्त होने लगता है। थोड़ा एक उपलब्ध जितना आप चिंतन करेंगे, आप परमात्मा का चिंतन करते हो तो परमात्मा की अनुभूति आभास होने लगता है। ऐसे हम लोग मनुष्यों की गृहस्थ धर्म में प्रवेश होने के कारण एक समस्या सबसे बड़ी है कि इस जगत में हम लोग सबसे ज्यादा दुख का चिंतन करते हैं, करते हैं कि नहीं करते, सबसे ज्यादा हम दुख का स्मरण करते रहते हैं। यात्रा में भी आ गए तो घर की चिंता बन जाती है, घर पर रहते हैं तो यात्रा की चिंता बनी रहती है, यात्रा में रहते रहते कभी सोचते हैं क्या पता घर में कैसे कहां जा रहे होंगे और बच्चों का क्या हो रहा होगा, तो हम अपना मन उस परमात्मा की शरण होने के बाद में संसार में लगा, और जब संसार में रहते तब हमको लगता है कि नहीं हमको कब मौका मिलेगा उस परमात्मा की शरण जाने का। तो हम जब तक संसार में फंसे थे तब तक तो हमने मांगा कि परमात्मा तू कब तेरी कृपा बरसाएगा, और जब उसकी कृपा की छांव में आकर बैठ जाते हैं तब वहां से मन हटाकर वापस संसार में लगा दे, दुख का चिंतन कर दे, बिल्कुल संसार में मन लगा रहता है। तो आप ये बताइए कि जिस चीज का आप ज्यादा स्मरण करेंगे अगर परमात्मा वो नहीं दे तो क्या दे। इसलिए हम लोग दुख का बहुत चिंतन करते हैं, कथा में भी अधिक देर बैठने पर हमको लगता है कमर दुख रही, पैर दुख रहा, तो ध्यान कहाँ चला गया, शरीर। अब ध्यान हमारा अगर
शरीर में लगा हुआ है, दुख में लगा हुआ है, तो दुख को भी दया जाती, बेचारा दिन भर मेरी चिंता करता रहता है, मुझे ही बुलाता रहता है, मैं नहीं जाऊं तो कहां जाऊं। अब बताइए आप, दिन भर जिसको आप किसी के साथ अगर ज्यादा मैत्री बढ़ाओगे तो आपको बहुत परम खास बन जाता है, चाहे भले ही उससे आपका संबंध हो जाए ना। तो एक सांसारिक जीव से आप किसी भी मनुष्य से और तो पशुओं से, कुत्ते से, लोग बंदर से लोग प्रेम करने लग जाते हैं, तो जिसके साथ आप अधिक रहने की चेष्टा में रहोगे वो आप पर खास हो जाएगा। और भले खास है लेकिन बहुत दिनों तक मिलोगे ही नहीं, उसके बारे में सोचोगे नहीं, तो उसको भूल जाते, चाहे वो कितना ही खास हो। तो हम लोग इस दुख को भुलाते क्यों नहीं है? हम लोग किसी भी उपासना में हो, भगवत की शरण में हो, इस पंचकोशी यात्रा में भी हो, तब भी हम दुख का चिंतन करते हैं तो बताइए फिर वो हमारा मित्र बनेगा कि नहीं बनेगा? अब वो परम मित्र हो जाता है और वो सुख को आने नहीं देता, भैया मित्र तो हमारा तुम कहाँ है। तो फिर हम क्या करें? तो कहा इस दुख से पीछा नहीं छुड़ा सकते। दुख से पीछा छुड़ा सकते हैं क्या? नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि ये शरीर का नाम क्या है? इस शरीर का एक नाम है रोगालय। क्या नाम है शरीर का? रोगालय। आलय कहते हैं घर को और रोग कहते हैं कष्ट। तो कष्ट का जो घर है वो मनुष्य का शरीर ही है। अब बताइए कष्ट अपने घर में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? अगर कष्ट अपने ही घर में नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ? तो आना भी निश्चित है। अब दोनों बात हो गई, एक तो उससे मित्रता भी नहीं बढ़ानी और सन्निधि में भी उसके ही रहना पड़ता है, तो क्या करें? तब पंचक्रोशी यात्रा कहती है कि इसमें करना यह है कि ते त्रिशूल वज्ञेयम् त्रेतायाम चक्रवत तथा द्वापरे तुरथाकारम शंखाकारम कलौ युगे और मुखम शंखस्य गंगायाम पृष्ठम देहलि सन्निधौ वाम पार्श्व स्थितम तोयम् रामाख्यम वर्णाभिदम्। तो पंचक्रोशी यात्रा कहती कि चार युगों में मैं अलग अलग रूपों में परिणित हो जाती हूँ। जब सतयुग आता है तो ये पंचक्रोशी माता त्रिशूल के आकार में परिणित हो जाती है। बोलो पंचक्रोशी माता की। त्रेता युग में ये चक्र के आकार में वर्णित हो जाती है और द्वापर में ये रथ के आकार में विद्यमान हो जाती है। और जो कलयुग चल रहा है इस कलयुग में ये यात्रा शंख के आकार में परिणित हो जाती है। इसलिए वर्तमान जो हम कलयुगी यात्रा करते हैं ये शंख के आकार में है। तो ये शंख की जो ध्वनि होती है जब इसको सुना जाता है, जब आप शंख बजते हुए श्रवण करेंगे तो जो इसकी ध्वनि है इसी से वेद निस्सरित होता है और उसको कहते हैं बोलो श्याम वेद भगवान की। ऐसे ये जो ध्वनि निस्सरित होती है, ये जो ओंकार नाद होता है, ये नाद ब्रह्म है। तो कहा कि आप लोगों के शरीर का जो घर है इसमें रोग तो आएंगे और ये दुख आएगा तो इसको मित्र बनाना पड़ता है। अब मित्र तो बना लिया लेकिन क्या? बोले मित्र बना के इससे मित्रता की बात मत करो। फिर क्या? बोले काम करो, ये मित्र तो बन ही गया है, इससे पीछा भी नहीं छुड़ाया जा सकता। भाई किसी का घर है, उसको कब तक उसके घर में नहीं आने दोगे? वो केस कर देगा भगवान के पास कि मेरा घर है और मुझे आने नहीं देते, आप कब्जा हम लोग कर बैठे हैं। तो वो रोगालय है तो रोग का आलय है, तो घर है तो वो तो आएगा ही, कष्ट तो आएगा ही। तो फिर हम जब ये कष्ट भी आएगा और आप इधर कहते हो कि कष्ट का चिंतन मत करो, हम कितना भी करें हमारा तो मन कष्ट में ही लगा रहता है, घर में लगा रहता है, संसार में लगा रहता है। कभी यहाँ भी बैठते थे एक बार तो मन ही चले ही जाता, सब यहाँ बैठे, ऐसा ना हो धर्मशाला में कोई घुस जाए। सब तो यहाँ बैठे, ऐसा ना हो बैग में सब पंचकोशी यात्रा यही आती हो जाएगी। बोलो भक्त स्थल भगवान की जय। मन जाता है कि मन अचानक से चला जाता है, जितना शांत होता है उतना स्थिर होने लगता है। तो
देर नहीं लगती। हाँ, मन की गति है अटपटी, मन की अटपटी गति है, जिसको जहां लगना चाहिए दूसरी तरफ लगता है। भगवान से कुछ मांगने भी जाता है तो कहता है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, तेरा तो तुझको ही अर्पण है, मुझे कुछ नहीं प्रभु, सब आपको ही तो अर्पण कर। फिर दूसरी तरफ कह देता है कुछ भी नहीं चाहिए, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। अभी तो कह रहे थे कभी कि तेरा तुझको अर्पण कुछ नहीं, फिर धीरे से मन कहता नहीं 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 अभी तो ये सुख संपत्ति और थोड़ी सी दे दो बस, कष्ट हमारे शरीर में ना रहे ये और चाहिए बस। मंदिर में भी दर्शन करने जाता है, दर्शन करते करते जिस परमात्मा के दर्शन करने के लिए गया है वहां जाते से 2 मिनट में आंख बंद करके खड़ा हो जाता है। हमारे नेत्र तुरंत भगवान के सामने जाते से बंद क्यों हो जाते हैं, कहीं विचार किया? जब पूतना आई थी तो भगवान ने उसको देखकर अपने भी नेत्र वर्त बंद कर लिए। हम लोग परमात्मा के आगे जाते हैं जाते से देखकर और ऐसे बंद करके आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। जिसको देखने आए, गुरु जी ने तो बहुत अच्छा भाव लिखा है, रज दर्शनम पाप नाशनम, हाँ, नेत्र दर्शनम अज्ञान नाशनम, भगवान के अंगों के, हाँ करवाई अलग अलग दर्शनों के हैं मेरे पास, रज दर्शनम पाप नाशनम में से सब गुरु जी दिया ये है। रज दर्शनम अज्ञान नाशनम पेज नंबर 112 गुरु जी बताए। रज दर्शनम अज्ञान नाशनम, रज दर्शनम अज्ञान नाशनम, चरण दर्शनम पाप नाशनम, चरण दर्शनम पाप नाशनम, जान दर्शनम रोग नाशनम, जान दर्शनम रोग नाशनम, नाभि दर्शनम व्याधि नाशनम, नाभि दर्शनम व्याधि नाशनम, बाहु दर्शनम भय नाशनम, बाहु दर्शनम भय नाशनम, आयुध दर्शनम सर्व रक्षाकरम, आयुध दर्शनम सर्व रक्षाकरम, आयु दर्शनम शत्रु नाशनम, आयु दर्शनम शत्रु नाशनम, कंठ दर्शनम शोक नाशनम, कंठ दर्शनम शोक नाशनम, मुख दर्शनम भुक्तिदायकम, मुख दर्शनम भुक्तिदायकम, मुकुट दर्शनम मुक्तिदायकम, मुकुट दर्शनम मुक्तिदायकम, और मुकुट दर्शनम मुक्तिदायकम, मुकुट दर्शनम मुक्तिदायकम, शिखर मंदिर शिखर का अगर दर्शन ये शिखर दर्शनम भक्त वत्सलता दायकम, शिखर दर्शनम भक्त वत्सलता दायकम, बोले शंकर भगवान की जय। ऐसे एक एक दर्शन करने का विधान है।